Maya? Hi. Hi. मरते मरते बचा मैं आज. चलो अच्छा है. तुम ना अपने हाथ धो लो, मैंने तुम्हारे लिए कीमा बनाया. तुमने सुना मैंने क्या कहा? मरते मरते बचा मैं आज. Oh my God, क्या हुआ सुमित? ये वाला रिस्पॉन्स ज्यादा बेटर है. बताओ ना क्या हुआ. मैं स्टेडियम में मैच देख रहा था. हाँ. क्रीज पे धोनी आया. पहली बॉल पे हेलीकॉप्टर शॉट, बॉल धाय करके बैट से निकली, साय करती उड़ती हुई धड़ाम से मेरी तरफ आई. Oh my God, तुम्हें लगी तो नहीं ना? मेरा तो सर फूट जाता. God. पर माया मेरे हाथ में पिज्जा था, तो बॉल मेरी तरफ आई, मैंने यूं मारा बॉल को और यूं गिरी बॉल. मैं यहाँ घंटों से तुम्हारे लिए कीमा बना रही हूँ और तुम स्टेडियम से पिज्जा खा के आ रहे हो. मैंने तो बस हाथ में पकड़ा हुआ था बॉबी का पिज्जा. कितने फड़े मारोगे सुमित? नहीं नहीं माया, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, भरोसा करो. मरता आदमी झूठ बोलेगा क्या? ओके फाइन, चलो डिनर कर लेते हैं. नहीं नहीं, मुझे भूख नहीं लगी. मैं बॉबी का पिज्जा, इससे बेहतर तो बॉल ही सर फोड़ देती. See you. Bye. आज टिफिन में क्या बना है? कल रात का कीमा जो तुमने नहीं खाया था वो. चलो. अच्छा आज शाम को जल्दी आ जाना, वो पड़ोस वाले चावला जी का बेटा ना मोंटू वकील, उसे बुलाया है. प्लीज माया, मम्मी जी भी केस करेंगे तो मोहल्ले वाले हमारा ही मजाक उड़ाने वाले हैं. मैंने उसे अपनी वसीयत बनाने के लिए बुलाया है. वसीयत इस भरी जवानी में क्यों? प्लीज इतना भी रिएक्ट मत करो. मेरे डैड कहते हैं हर जिम्मेदार माँ बाप को अपनी वसीयत बना के रखनी चाहिए. वसीयत बनाना मतलब यमराज को न्योता देना कि भाई आजा, मैं तैयार हूँ, ले चल. प्लीज सुमित, हर बात का उल्टा मतलब निकालते हो. हमने लाइफ इंश्योरेंस भी तो करवाया है सुमित. मम्मी जी ने नीचे खीर बनाई है, आना तो आओ नहीं तो भाड़ में जाओ. भैया भैया, आपने अपनी वसीयत बनाई है ना? ऑफ कोर्स, पुलिस वाले को हर सिचुएशन के लिए तैयार रहना पड़ता है. भैया प्लीज सुमित को समझाइए, वो डर रहा है. क्यों भाई? यार क्यों खामखा यमराज को घर पे बुलाना? अरे यमराज बहुत स्मार्ट है, वो सिर्फ उन लोगों को उठाते हैं जो इस हेगड़ी में रहते हैं कि हमें कुछ नहीं होगा. ला 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 ला, कुछ नहीं होगा. खाली में गिर फूट गया सिर. जीप तो अंदर कर लेता मरते वक्त. जीप से याद आया, खीर. और वसीयत बना ले नहीं तो मरेगा. लल्ला लल्ला. भाई साहब देखिए, वैसे तो ऊपर वाले की दया से सब अच्छा ही होना है, पर सपोज आप रोजमर्रा की तरह सड़क से जा रहे हैं, पीछे से एक रोड रोलर आता है और आप उसके आके चपटे हो जाते हैं. वैसे तो ऊपर वाले की दया से सब अच्छा ही होना है, पर सपोज आप टपक गए और उसके बाद आपके भाई साहब ने आपकी सारी प्रॉपर्टी हत्या ली और भाभी जी को बार डांसर बनना पड़ा. ये आप क्या बोले जा रहे हैं? भाभी जी, वैसे तो ऊपर वाले की दया से सब अच्छा ही होना है, पर सपोज आप तो बार डांसर बन गई और आपके पीछे आपके बच्चों को अपना बचपन सड़कों पर गुजारना पड़ रहा है और सड़कों पर बचपन गुजारते हुए इन्हें शराब और ड्रग्स की लत जो लगती है. कहाँ साइन करना है? हुई ना कल जी. देखिए सारे डॉक्यूमेंट मैं अपने साथ तैयार करके लाया हूँ, आपको बस आखिरी पन्ने पर अपना साइन करना है. लेकिन उससे पहले गार्डियनशिप में किसका नाम लिखा जाएगा वो मुझे बता दीजिए. गार्डियनशिप? देखिए पॉइंट ये है कि सपोज आप दोनों की डेथ एक साथ हो गई तो आपके बाद आपके बच्चों की जिम्मेदारी किस पर जाएगी, बस उनके नाम मुझे बता दीजिए. हाँ लिखिए. हाँ जी, जसबीर वाले और डॉली वाले. एक मिनट,
सुमित, तुम्हें नहीं लगता कि हमें इसके बारे में थोड़ा सोच लेना चाहिए? इसमें सोचने की क्या बात है, वैसे भी मम्मी जी पापा जी तो हमारे घर पे बिन बुलाए घुसे रहते हैं, तो उनसे ज्यादा बेहतर तो कोई हो ही नहीं सकता ना बच्चों को लुक आफ्टर करने के लिए। उनसे बेहतर गार्डियंस मिल सकते हैं? जैसे कि? जैसे कि मेरे मॉम डैड। तुम सीरियस हो? हाँ बिल्कुल सीरियस हूँ। नो प्लीज, इससे ज्यादा बुरा आइडिया हो ही नहीं सकता। अच्छा, क्या बुराई है मेरे पेरेंट्स में? भाभी जी देखिए, चुप बैठ मोंटू। तुम्हारी मॉम को टाइम मिलेगा अपनी हाई सोसाइटी पार्टी से? मेरी मॉम बच्चों के लिए टाइम निकालेंगी, ओके? और उन्होंने मुझे भी तो बड़ा किया है। और मेरे मम्मी जी पापा जी ने मुझे छोटा किया। सुमित तुम समझ नहीं रहे हो, नहीं, बच्चे तुम उनके साथ रहे। अरे भाभी जी, रहती हूं यहां नीचे रहती हूं। आप दोनों आपस में डिसाइड कर लीजिए और पेपर साइन करके मुझे बुला लीजिए, मैं आ जाऊंगा। ठीक है, धन्यवाद, मैं जा रहा हूं यहां से, बाय बाय। अभी पता है कैसे बात करेगा? ओल्ड चैप, तुम्हें मालूम है आज स्कूल में मैंने क्या किया? ABC पढ़ा। ना मेरे डैड पाइप पीते हैं और ना ही ऐसे बात करते हैं। और आलिया पता कैसे बात करेगी? Marvelous, marvelous, तुम भी marvelous, हम भी marvelous, सब बिल्कुल marvelous, marvelous. कितने अजीब है ना मेरे पेरेंट्स। अच्छा वो तुम्हें पता था, चल गया। इसलिए तो मैं चाहती हूँ कि अभी ऐसे बात करें। ओए कमीने, कहाँ गया मेरा दुद्दू बॉटल? पेट गुदगुदा रहा है, हैं? Not funny. क्यों बे टीचर, डर क्यों रहा है? जल्दी सिखा हराम कोर। ठीक है, कुछ ज्यादा ही हो गया। हम नहीं नहीं सुनो ना, अब आलिया कैसे बात करेगी ये सुनो। राजमा खा ले, वरना ताने मार मार के जीना हराम कर दूंगी मैं। करेक्ट मम्मी जी। डराओ मत यार माया। सुमित, क्या तुम सचमुच चाहते हो कि हमारे बच्चे जूनियर मम्मी जी और जूनियर पापा जी बने? तुम सही कह रही हो। तुम्हारे पेरेंट्स को हमारे बच्चों के लीगल गार्डियंस बना देते हैं। थैंक यू सुमित, वो परसों आ रहे हैं, हम उन्हें बता देंगे, ठीक है? अरे मनु, तेरे पापा जी से बचा के ना बच्चों के लिए खीर लेके आई हूँ। इसी बहाने बच्चों को घर का खाना नसीब होगा ना। थैंक यू मम्मी जी। अरे स्टैम्प पेपर, हे भगवान, बात इतनी आगे बढ़ गई, मतलब वकील तक पहुंच गई। नहीं मम्मी जी, I'm sorry, हम तलाक नहीं ले रहे, वसीयत बनवा रहे। पहले बोल देना चाहिए था ना। अरे ये तो अच्छी बात है, पता है आजकल ना हर किसी को किसी भी बात के लिए तैयार रहना चाहिए। जी मम्मी जी। और तुम लोग चिंता मत करो, भगवान ना करे अगर कुछ हो गया ना तुम दोनों को, तो मैं संभालूंगी बच्चों को। एक्चुअली वो मम्मी जी, सुमित और मैंने बहुत सोच के ये फैसला लिया है कि खीर, चलो खाते। अभी कटोरी लाती हूँ। उनको बताने की क्या जरूरत है? मैं नहीं बताऊंगी तो क्या तुम बताओगे? कोई नहीं बताएगा, जब मैं मरूंगा तो उन्हें अपने आप पता चल जाएगा। रिश्तों के मामले में सच्चाई ईमानदारी बहुत जरूरी होती है। क्या खुशी पसुर हो रही है मम्मी जी? सुमित और मैंने बहुत सोच समझ के ये फैसला लिया है कि हमारी वसीयत में हम बच्चों के गार्डियंस मेरे मॉम डैड को बना रहे हैं। खीर। मेरे दूध में कुछ कमी रह गई थी क्या? नहीं मम्मी जी, दूध बिल्कुल परफेक्ट है खीर में। उड़ा ले मेरा मजाक, तुझे तो मेरी जरूरत ही नहीं है अब। ऐसी कोई बात नहीं है मम्मी जी। मैं जानती हूँ माया, मैं जानती हूँ, इस घर में ना मेरे लिए कोई जगह ही नहीं है। इस बात से मैंने एक सीख ली है कि जिंदगी में कभी किसी से कोई उम्मीद ही मत रखो।
प्लीज मम्मी जी आप डॉली खीर कहाँ है? आपने सुना हम ना बच्चों की देखभाल करने के लायक ही नहीं है। बच्चे गए भाड़ में, खीर कहाँ है? और तू तो जरा भी लायक नहीं है, तेरा भाई तुझे नालायक समझता है। वो तो मैं जानता हूँ मम्मी जी, लेकिन इस बार मैंने किया क्या? आपने कुछ नहीं किया भैया, हम वसीयत में बच्चों के गार्डियंस चूज कर रहे थे। एक मिनट, ये वसीयत में गार्डन में मेरा नाम तो नहीं है ना? पापा जी आप बच्चों का ख्याल नहीं रख सकते? अबे तुम दोनों को पाल पोस के मुस्टंडा बना दिया, ये क्या कम है? तुम्हारे पोता पोती है वो, तो तेरे भी तो हैं, तू झेल उनको। तो मुझसे तो किसी ने पूछा भी नहीं। अच्छा बेटा फाइनली बच्चे किसके सर पे धरे? मेरे मॉम डैड के। मार्नवस मार्नवस अब बजेगी उनकी बैंड। बोलू तुझे मुझ पर जरा सा भी भरोसा नहीं था? अरे आलिया और रवि को मैं इतना प्यार करूंगा तू मर के तो देख। थैंक यू, पर मेरा कोई प्लान नहीं है मरने का। सोनू मुझे पता है तुझे बच्चों की कितनी फिक्र है, तू चिंता मत कर, मैं हूं ना तेरे साथ, हम दोनों मिलकर ना बच्चों को पाल पोस के बड़ा करेंगे, ये ले खा ले। डॉली पागल हो गई क्या तू? दो बच्चे बड़े कर लिए, अब दोबारा से पैरों में भेड़िया डालना चाहती है क्या? अबे द मैन द फ्री द इंडिपेंडेंस, कहीं भी जाओ कुछ भी करो कुछ भी खाओ। अबे खाने से याद आया, खीर कहाँ है मेरी? सोनू को दे दी, उसको ज्यादा जरूरत थी। अबे ठुल्ले खीर दे मेरी। मोनू मैं जानती हूं तुम लोगों ने हमारा नाम वसीयत में क्यों नहीं रखा, पापा जी की वजह से ना। चिंता मत कर, मैं ना बच्चों के लिए पापा जी को भी छोड़ने के लिए तैयार हूं। नाना नानी। हेलो देयर माय लिटिल लेडी। नानी। हेलो माय गर्ल, हाउ आर यू? पहले मेरे गिफ्ट्स दिखाइए। ऑफ कोर्स, इस बार सोचो मैं क्या लेके आई हूँ तुम्हारे लिए। एक फेडोरा, से फेडोरा। 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 एब्सोल्युटली। तो आप बच्चों के साथ खेलिए, मैं थोड़ा और केक लेके आती हूँ। ओके। गुड आईडिया। सुमित मेरी हेल्प करोगे? हाँ हाँ। देखो ना बच्चे कितने खुश लग रहे हैं। हम मॉम डैड को बता दे कि हमने उन्हें गार्डियन चुना है। बहुत खुश लग रहे हैं। धावा बोल देते हैं। हेलो जी। हेलो। अरे बच्चा। ये देख तेरे लिए क्या बना के लिए है दादी। बेसन के लड्डू असली घी के। तुझे पसंद है ना? ले अंदर लेके जा और अभी को भी लेके जा। मम्मी जी आप यहाँ कैसे? बच्चों की देखभाल करने लायक तो हम रहे नहीं, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि समधी को मिलने लायक भी नहीं रहे। मम्मी जी ऐसे कोई बात नहीं है। डॉली जी आप कैसी हैं? अब किसी लायक तो है नहीं, कट रही है। गुड जोक मार्वेलस। बेटा एक्चुअली मैं सोच रही थी कि इस बार बच्चों को छुट्टी के लिए गोवा ले चलते हैं। दैट्स अ ग्रेट आइडिया। आइडिया बहुत अच्छा है, लेकिन आपने ठीक तरह से सोच लिया है ना? सोच लिया मतलब ये कि मम्मी जी आपको ये कहना चाहती हैं कि बच्चों के मामले में इमरजेंसी कभी भी आ सकती है, तो क्या आप लोग इस केस में तैयार हैं? इमरजेंसी? कैसी इमरजेंसी? मान लीजिए बच्चे के नाक में आलू का चिप फंस गया तो? अब ये कैसी प्रॉब्लम हुई? ऐसा कौन सा बेवकूफ बच्चा है जो खुद अपनी ही नाक में आलू के चिप को ठूस कर फंसाएगा? अभी कम ये वाला। बचपन में 3 बार ही चिप्स फंसा चुका है। 2 बार, तीसरी बार चने का दाना था। वैसे इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग, इसको हम ट्वीजर से निकाल सकते हैं ना चिप को? नहीं नहीं नहीं, इसे नाक कट जाएगी। टिक टिक 1, टिक टिक 2, ओके, टिक टिक 3। ओके यार मैं बताता हूँ, नाक को दबाओ और झाड़ो। गया। वेरी क्लेवर सुमित, आई एम इम्प्रेस्ड।
वेरी इंटरेस्टिंग. और पूछिए ना. हाँ मम्मी जी, मुझे लगता है थोड़े ज्यादा सवाल जवाब हो गए तो. नो नो माया, दिस इज ट्रूली वेरी इंटरेस्टिंग. पूछिए पूछिए. देखा, इन्हें इंटरेस्टिंग लग रहा है. मेरे पास और एक सवाल है. आप गाड़ी चला रही है और आगे आपके साथ आलिया बैठी है और जोर जोर से वो ना स्टीरियो सुन रही है और आप उसे रोकना चाहती है, आप उसे कैसे मनाएंगी? टिक टिक वन, टिक टिक टू, टिक टिक थ्री, चॉकलेट देके. यस. नहीं. प्यार से बात करके. हाँ ये जवाब अच्छा है. लेकिन एक बात बताइए, आलिया अगले सीट पे कर क्या रही है? बच्चों को अगले सीट पे नहीं पिछले सीट पे बैठना चाहिए, आप जानती नहीं है? That is a valid point, huh? इसके बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं. मेरे पास और एक सवाल है. मम्मी जी, मम्मी जी, आपने बहुत पॉइंट बना लिए. एक नहीं नहीं नहीं, अब आप लोग जाइए. नहीं, मेरे पास ना ऐसे सौ सवाल है, मैं उसके जवाब ना पाऊंगी आपसे. इंतजार करेंगे. अगला सवाल. कोई सवाल बस. मैंने तो पूछा नहीं ना. नहीं नहीं, गेम बाद में खेलेंगे. वेल मॉम डैड, आप मम्मी जी के सवाल भूल जाइए, अब हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं. माया, क्या बात है? पूछो. हम आप दोनों को आलिया और अभी के गार्डियंस बनाना चाहते हैं. सो वाओ वाओ, आलिया और अभी के गार्डियंस. तो डील पक्की समझे? दिस इज जस्ट सो सो ग्रेट. सुमित, माया, थैंक यू सो मच फॉर दिस ऑनर. Such man, I just didn't expect this, you know, Maya. It's so so sweet of you. Love you, baby. I love you too, Mom. Maybe, dur dur se. This is just so so marvelous. So unexpected. But marvelous. Lekin hum ise accept nahi kar sakte. Kya? Sorry, beta. पर तुम्हारे पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं. आप दोनों अपने अपने नाता नाती की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते? आप कैसे नाना नानी हैं? नहीं नहीं बेटा, यू नो कि हम लोग अवि और आलिया को कितना प्यार करते हैं. जरूरत पड़ने पर हम उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं. यू नो दैट. एब्सोल्युटली. बात यह है बेटा कि अब हमारी लाइफ बिल्कुल अलग है. पूरी जिंदगी काम करके अब हम अपना रिटायरमेंट एंजॉय करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, दुनिया देखना चाहते हैं. अब उस सब के बीच में दो बच्चों को मैनेज करना. आप घूमना चाहते हैं तो बच्चों को छोड़ देंगे? डोंट माया, डोंट मिसअंडरस्टैंड. तुम्हारे पापा सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं कि गधे को केक नहीं खिलाना चाहिए. हमें सिर्फ वो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करनी चाहिए जिसके लिए हम रेडी हैं, और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए हम बिल्कुल सही नहीं हैं. बिल्कुल भी नहीं. अरे भाई, जो सही है उसे दो ना जिम्मेदारी. कौन सही है? इट्स ऑब्वियस, डॉली जी. तुमने देखा नहीं है कि जब वो आती हैं तो बच्चों के चेहरे कितने खिल जाते हैं और वो भी बच्चों को देखकर कितनी खुश हो जाती है. आई मीन ऑब्वियसली दे अडोर ईच अदर. एंड मोर इंपॉर्टेंटली, वो कितनी नॉलेजेबल है बच्चों के पालने के मामले में. I mean, I'm truly surprised, Sumit, कि आप दोनों ने इसके बारे में उनसे पहले नहीं पूछा. I mean, वो तो अच्छे अच्छों को सिखा सकती है. शहर में ढिंढोरा, बगल में. मम्मी जी, एक सबक तो हमें भी मिल ही गया. कभी कभी हम जिसे ढूंढ रहे होते हैं वो हमारे पास होता है, लेकिन हम उसकी कदर नहीं कर पाते. तुम सही कह रही हो माया. Thank you so much, Mom, Dad, for being so honest. Marvelous. Mom. Oh, Krupa, Krupa. Oh, my girls. I'm so sorry, Mummy ji. कोई बात नहीं बेटा, देर आए दुरुस्त आए. तूने गार्डियन बनाया ना?
अब देखना बच्चों को कैसे पाल पोस के बड़ा करती हूँ मैं। अबे मेरे को तो रोना आ रहा है, ये कबीना जय बच्चे मेरे माथे जड़ के खुद मटर गश्ती करेगा। मम्मी जी मैं अभी की पुलिस ट्रेनिंग ना आज ही से शुरू कर देता हूँ। ओए तू क्यों बीच में घुस रहा है, ये जिम्मेदारी मम्मी जी की है तेरी नहीं। सोनू ठीक है तो कह रहा है, अरे अभी इसके साथ जाएगा ना तो मर्द बनेगा। हाँ देखना अलिया को ना मैं गाना सिखाऊंगी ताकि जल्दी से ना वो जगराता स्टार बने। और अभी सब इंस्पेक्टर। हाँ bum 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 bum